हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीपीटी एंड फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी और बताएं लास्ट में वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, एडवांटेजेस एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स, यानी कि प्लास्टिक के फ़ायदे क्या हैं और उससे एप्लीकेशन क्या है और प्लास्टिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो विश्व में औसतन प्लास्टिक की खपत 15 किलो प्रति व्यक्ति की तुलना में भारत में यह खपत लगभग प्रति व्यक्ति लगभग 1 किलो है। यानी कि अगर हम देखें, प्लास्टिक में बहुत ही स्कोप है और आने वाले समय में जो प्लास्टिक का यूज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी भी हम देखेंगे तो प्लास्टिक एक अहम मानव जीवन में रोल अदा कर रहा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल विच आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ नेचुरली, यानी कि प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि पृथ्वी पर हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। दे आर केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इन्ग्रीडियंट्स, ये जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मतलब केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स है, मोस्ट डेराइव फ्रॉम पेट्रोलियम, जो हमें मतलब सामान्यता देखें हम तो पेट्रोलियम से मिलता है। द इन्ग्रीडियंट्स आर लिक्विड इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, यानी कि जो आपका मटेरियल्स रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है जब हम उसको गर्म करते हैं। वट हुए इनपुट टुगेदर अंडर हीट एंड प्रेशर दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्म इनटू वेरियस शेप, यानी कि जो भी प्लास्टिक्स मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, उसको हम गर्म करेंगे लिक्विड स्टेट में रहेगा, और उसके बाद में जब हम इसको मोल्डिंग करेंगे, कोई भी आकार देंगे, कोई भी शेप में हम इसको करेंगे, तो ये एक हार्ड मतलब शेप में रहेगा। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सॉलिड रेजिस्टेंट टू प्रेशर मॉइस्चर एंड कोरोजन, जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा वो रेजिस्टेंट मतलब प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, मॉइस्चर कर सकता है और कोरोजन रेजिस्टेंट रहता है। तो एडवांटेजेस की बात करेंगे दोस्तों, एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, तो सबसे पहला पॉइंट है लाइट इन वेट। जो प्लास्टिक्स मटेरियल हैं वो वेट में हल्के रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर एग्जांपल में एक प्लास्टिक का चेयर हम लोग यूज करते हैं, एक वुडन का चेयर रहता है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। यानी कि जो प्लास्टिक के जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे, वो सब लाइट वेट हैं। हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो लाइट वेट में भी आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकता है, हायर स्ट्रेंथ मिल सकता है। वाइडर डिजाइन फ्रीडम, यानी कि इसमें आपको डिजाइंस बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे प्लास्टिक के अट्रैक्टिव डिजाइन के प्रोडक्ट आपको पॉसिबल है, हम उसको बना सकते हैं। इजी प्रोसेसबिलिटी, यानी कि जो प्रोसेसबिलिटी है दोस्तों, इसकी बहुत ही साधारण है, आसानी से हम प्रोसेस कर सकते हैं। लो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपका जो मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम एनर्जी में इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मिनिमम पोस्ट फिनिशिंग, पोस्ट फिनिशिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट को बनाया, बनाने के बाद में उसमें हम बाद में दोबारा से उसमें पोस्ट फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्लास्टिक से मोल्डिंग करते हैं, तो पहली बार में ही बहुत ही अच्छा डिजाइन, फिनिशिंग वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंग नहीं लगता है, नॉन टॉक्सिस है। जो प्लास्टिक्स मटेरियल हैं गैर विषैले हैं, जैसे कि हम सपोज दैट जो प्लास्टिक के हैं, खाने पीने के मतलब आइटम हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी अब बहुत सारा फूड ग्रेड मटेरियल है, जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक में पैक होकर आती हैं, या प्लेट्स वगैरह हो गए प्लास्टिक्स के। रीयूजेबल एंड रिसाइकेबल, रीयूज कर सकते हैं हम, जैसे कि आप देखते हैं घरों में प्लास्टिक का प्लेट्स यूज करते हैं, रिसाइकेबल है, यानी कि जो प्लास्टिक्स मटेरियल है इसको अगर हम बाद में इसको रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट है स्क्रैप हो गया, उसको स्क्रैप करके हम दोबारा से दूसरा कोई भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइड कलर रेंज, यानी कि जो इसका कलर रेंज है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज कैन बी अल्टर टू सूट द नीड्स, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो प्लास्टिक्स मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें सपोज प्लास्टिक्स में स्ट्रेंथ में अधिक चाहिए, कोई प्लास्टिक्स मटेरियल उसके लिए हम उसमें फिलर ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं, एडिटिव्स हैं, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, उसको हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो उसके लिए हम उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं इमेजेस में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर का, डिफरेंट डिज़ाइन का प्रोडक्ट बना है, जैसे कि अभी ये हो गया मास्क सील्ड हो गया, इसके बाद में ये आपका मास्क पीपी मेटल से बनाया गया है, इसके बाद में अभी पीपी किट जो बहुत ही डिमांड है, बहुत ही चर्चा में है, तो ये भी प्लास्टिक से ही तैयार होता है दोस्तों। जैसे कि इसमें हो गया आपका 3-ply मास्क है, फेस शील्ड है, लेटेस्ट ग्लव्स हो गए, डिस्पोजल बैग्स हो गया, शू कवर हो गए। तो ये जो भी आपके प्रोडक्ट हैं
सभी अभी एपीपी जो किट है बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इसके बाद में वेस्ट जो प्लास्टिक से उससे प्लास्टिक के रोड भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, इनकरेज मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए उत्साहित रहते हैं। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।